नीतीश कुमार आपके सामने हाथ जोड़ रहे थे ताकि किसी तरीके से सरकार बने और आपने एविडेंस की भी आरोप नहीं, एकदम सच्चाई है नीतीश कुमार जी। देखिए दोबारा हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि देश हित के लिए हमको निर्णय लेना था। एक बार तो भाग ही गए थे लेकिन इस बार गए तो कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। और इंडिया अलायंस बनाना था, बीजेपी का लोटस ऑपरेशन चल रहा था, बीजेपी को सबक सिखाना था, अनेक राज्यों में महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चल रहा था उन लोगों का। और नीतीश कुमार जी तो बाहर आकर के ये भी कहा था गवर्नर हाउस से कि बीजेपी जो है उनकी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है, नीतीश कुमार को समाप्त करना चाहती है। क्या नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने दो दो बार जीवित किया है, हालांकि वो तो तीसरी नंबर की पार्टी है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर हम उनकी उनका सम्मान करते हैं लेकिन आप देखिएगा उनकी राजनीतिक रूप से जो विश्वसनीयता जो होती है वो समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब उनसे बिहार चल नहीं रहा, संभल नहीं रहा। अब मतलब लॉ एंड ऑर्डर उनका इकबाल ख़त्म हो चुका है। तो हम बार बार नड्डा जी आए या कोई आता है तो हम तो ये पूछते हैं भाई ये बार बार क्यों बोलते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे तरफ भी थे तो यही कहते थे हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। हर बार यही कहते रहते थे। यही तो कहते हैं कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता परमानेंट। दुश्मन कहाँ, नीतीश जी कहाँ से हमारे दुश्मन, तो चाचा है, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन राजनीतिक फील्ड में अगर हैं, उनकी अलग पॉलिटिकल पार्टी, हमारी अलग पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम तो विरोध करेंगे ही उनकी नीतियों का। और नीतीश कुमार जी की कोई नीति और कोई विचारधारा तो है नहीं, जहाँ जाना कुर्सी पर बने रहना है। अगर फिर से माफी मांग ले और आ जाए कोई मतलब नहीं है। अब तो कोई बार बार हम लोगों ने दो बार जिंदा कर दिया, अब बार बार नहीं होता। लेकिन एक बात मैं बड़े गंभीरता से आपसे जानना भी चाहता हूं और पूछना चाहूंगा कि आप जब आरोप लगाते हैं कि हमारे पास वीडियो एविडेंस है तो आपको लगता है कि राजनीति में ये मर्यादित है? आपको नहीं पूछे बोलते हैं ना कोई लोग कि कहाँ है, क्यों बोल रहा है, किस आधार पर बोलता हूँ, बोले भाई वीडियो देख लो और वीडियो है मंगा देंगे भाई वीडियो लाना। वो वीडियो तो है जब पहली बार इस्तीफा देकर के हमारे घर आए थे, हमारे विधायक थे उस समय जो है ये वीडियो है, इसको हम प्ले भी कर देंगे, आपको भी फॉरवर्ड करा देंगे, ये उसी टाइम का है। और ये वीडियो अगर हम प्ले करें तो इसमें साफ देखिएगा माफ़ी मांगते हैं आप, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये देखिए हाथ जोड़ते हुए लिख रहा है राबड़ी देवी के आगे हाथ जोड़ते हुए नीतीश कुमार, राइट। तो ये वीडियो, और ये तो चलिए मेरे घर की है, कई बार उन्होंने विधानसभा का प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए, वीडियो निकल जाएगा कि अब हम गधापनी हमसे हो गई थी कि बीजेपी में चले गए थे, अब दोबारा गलती हम नहीं करेंगे, कई बार मुख्यमंत्री जी ने बोला है। तो ये देखिए हम लोग कुछ भी बोलते झूठा आरोप नहीं लगाते, तेजस्वी झूठ नहीं बोलता, जो सच्चाई है वही लोगों की जरूरत थी, वही लोग आना चाह रहे थे, मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, हमको खत्म कर देगा। हम फिर भी चलो एक बार उन्होंने गलती की थी, चलो एक बार माफ किया, दोबारा फिर वही काम किया गया। हमारे तरफ से तो बोलते ना भाई भाजपा वाला लोग तेजस्वी को फंसा रहा है, लालू जी को बदनाम कर रहा है। ललन सिंह जी क्या बोलते थे, लालू जी समाजवादी नेता है, सामाजिक न्याय के नेता है, उनसे सीखते हैं। अब ठीक है उधर बीजेपी में चले गए, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, क्या मजबूरी है, क्या फाइल ताइल होगा, बीजेपी का तो ऑपरेशन करने का तरीका पता ही है ना। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं फाइल यानी कि ईडी होगा ना भाई, होगा चल ही रहा है, ईडी का तो बहुत जगह कई खास वहाँ सब पे चल रहा है उनका, खैर जो भी मामला हो। लेकिन लालू जी और नीतीश जी में ये फर्क है, लालू जी ने कभी भी आज तक घुटना नहीं टेका भाजपा आरएसएस के सामने, ललकारा है मजबूती के साथ फासिस्ट फोर्सों को। और नीतीश कुमार जी तो अभी फिलहाल देखेंगे नरेंद्र मोदी जी का पैर छू रहे, जो थाली खींचते थे क्या नीतीश जी उस जमाने के थे, अब क्या स्थिति होगी, पीड़ा होती है देख के उनको ऐसे। आपने अभी ऐलान किया कि जब ये आप कार्यकर्ता से जब मिल रहे हैं या फिर आभार यात्रा कर रहे हैं उसमें आपने ये कहा कि लोग टोपी पहन कर आए, गमछा लेकर ना आए, किसी को नहीं बोलेगा क्या करो, इंस्ट्रक्शन साफ साफ ये था कि भाई भीड़ भड़ाका नहीं करना है, पांच छह लोगों को साथ में नहीं लाना है, जो पार्टी का कैडर है, जो संगठन का वर्कर है, केवल क्योंकि ये कार्यकर्ता संवाद है तो कार्यकर्ता ही हो,
कहीं होर्डिंग पोस्टर नहीं लगे, कहीं स्वागत ना करो मेरा, कहीं रोड शो नहीं होगी, कहीं जनसभाएं नहीं होंगी। हर एक गमछी तो बिहार की शान है, हम लोग तो गमछी साथ लेकर के चलते हैं, बांधते भी हैं, उससे किसी को परहेज नहीं। इस बार कार्यकर्ता सम्मेलन था तो भाई इस बार था कि भाई अपना टोपी अपना पहनिए, और जिसको आई कार्ड उपलब्ध कराया गया था जो वर्कर है वो हरा रंग का ही आई कार्ड उपलब्ध कराया गया है, और हरे रंग से किसी को परहेज किस बात। लेकिन ये तो मौका मिल गया आपके विरोधियों को, वो कह रहे हैं कि है ही नहीं ना परहेज, नहीं वो कह रहे हैं कि गमछा गुंडा राज दिलाता है याद आरजेडी का। बिहार की पहचान है गमछा, ये भाजपा के लोग बड़े दुष्ट लोग हैं, ये पूरे बिहार को बदनाम कर रहे हैं, बिहार को गाली दे रहे हैं। भाई गमछा इज द शान ऑफ बिहार, ये क्या बोल रहे भाजपा के लोग, घुटने में तो दिमाग नहीं चला गया इनका। बारिश हो रही है और ये चर्चा जारी रहेंगे, तो रखेंगे, थोड़ा ड्रिजल है निकल जाएगा। Yes. बताते हैं 70% जमीन आरजेडी के कब्जे में, भू माफिया लोग हैं, ऐसे बयानबाजी। आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी बोल देंगे, किसी को भी कुछ भी बोल देना है, उनका काम है बोलना है खाली, तथ्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है ये नहीं पता। डाल दो सबको अंदर, 70% तो कर क्या रहे, तो आप मुख्यमंत्री तो क्या किए, आप मुख्यमंत्री बने तो क्या किए, कौन उनको ज्ञान देता है ये। खैर छोड़िए मांझी जी पे क्या बोला जाए, अब ज्यादा दिन उनके राजनीतिक करियर का रह नहीं गया है, किस बात का, नो वन टेक्स हिम सीरियसली। तेजस्वी, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं और लोग ये कहते हैं कि तेजस्वी क्या सोचते हैं कि शराबबंदी को लेकर, आप क्या शराबबंदी के पक्ष में हैं या फिर आप अगर सरकार में आएंगे तो इसके ऊपर विचार करेंगे। देखिए, ये लागू किया गया था साफ इंटेंशन इसको लेकर के कि भाई नशा से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन अब देखा जा रहा कि नशा और बढ़ता जा रहा, शराबबंदी केवल किताबों में है, हकीकत में कुछ और है। क्राइम बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, पुलिस मर्डरर को नहीं पकड़ती है, रेपिस्ट को नहीं पकड़ती है, पुलिस जो उगाही में लगी हुई है, पैसा बटोरने में लगी हुई है शराब के नाम पे, हर जगह अवेलेबल है शराब, होम डिलीवरी हो रहा है, ये सच्चाई है। शराबबंदी जो है सुपर डुपर फ्लॉप हो चुका है। देखिए नशा किसी को भी नहीं करना चाहिए, ना कोई सजेशन देता है, लेकिन इनके राज्य में तो पूरी तरीके से अब लोग ड्रग्स पे आ गए, उस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। आप ये कह रहे हैं तो कि कहीं ना कहीं से इसको एक बार विचार करने की जरूरत है कि भाई क्या बेहतर होगा जिससे नशा मुक्ति की अभियान को भी हम लोग जो तेजी ला सके, और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं जहाँ पुलिस का सिस्टम ही पूरा शराब के पीछे है, क्रिमिनल्स के पीछे नहीं है, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत। आप हाँ या ना में जवाब दें, क्या बंद होना चाहिए या नहीं? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है ना? क्योंकि आपके समय इसमें हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, मकसद पूरा होना चाहिए नशा मुक्ति का, उसके लिए बेस्ट विकल्प क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए, सब लोगों को बैठ करके इस पर राय मशवरा होनी चाहिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज हों, समाज सेवी हों, या प्रशासन के ऐसे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हों, उनसे बैठ करके साथ में बात होनी चाहिए, इसका कोई समस्या का हल निकालना पड़ चाहिए, कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। मतलब विकल्प के तौर पर आप इसको रखेंगे? नहीं, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए। बारिश रुक गई है तो उसको रख देते हैं, लेकिन बारिश रहेगी तो भी इंटरव्यू जारी रहेगा। हाँ नहीं, चल ही रहा है, जारी है। ये रैपिड फायर है जिसमें ऑप्शंस रहेंगे आपके दो, और हमारा एक इंटरव्यू का विषय है। रैपिड फायर में पहला सवाल आपसे मेरा, डर किससे लगता है आपको, लालू जी से या राबड़ी जी से? दोनों से, अगर गलत काम करे तो। बड़ा नेता कौन है आपके लिए, अखिलेश यादव राहुल गांधी? सभी नेता हैं और दोनों ही बड़े हैं। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे? जवाब दे तो दिए।
दोनों ही नेता हैं और हमसे बड़े हैं। सवाल नीतीश क्या पलटी मारेंगे, हाँ या ना? अब इस पे डिबेट हो सकता है। जवाब नहीं। नीतीश जी, बीजेपी की बी टीम कौन, ओवैसी या प्रशांत किशोर? सब फुलझड़िया सब है। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी क्या है, मजबूरी जरूरी? आपको क्या लगता है? यह सवाल मेरा, जवाब आपको। आज के डेट में तो मजबूरी भी है, जरूरी भी है। सबसे जरूरी क्या, आरक्षण रोजगार? दोनों ही। पिछड़ों की तरह स्वर्ण को भी आरक्षण, हाँ या ना? EWS है। बिहार की एक छवि बनी है और ये छवि देश विदेश सभी जगह है कि बिहार में कोई पुल टिकता नहीं, उसके वायरल वीडियोस हैं और ढहते हुए पुल दिखते हैं, बनते हुए कम दिखते हैं। भ्रष्टाचार, हमने कितने पुल गिना दिए, 20 पुलिया गिरा, मेगा पुल्स भी गिरे, कार्रवाई किस पे हुई? कोई बड़े अधिकारी पे बता दो, किसी नेता पे बता दो, किसी पे नहीं। जेई होगा, बलि का बकरा, उसको बना दिया जाता। Z News.